press the bell icon for notification. एक नई समस्या उठ खड़ी हुई है। क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूँ? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अपने दोस्तों से बातचीत के दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कुछ दोस्त ऐसा मानते हैं कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आगे जा रहा हूँ, और मेरे घमंड ने कुछ हद तक मुझे इस अविश्वास के लिए उकसाया है। जी हाँ, यह एक गंभीर समस्या है। मैं ऐसी कोई शेख ही नहीं बगाड़ता कि मैं मानवीय कमजोरियों से बहुत ऊपर हूँ। मैं एक मनुष्य हूँ और इससे अधिक कुछ नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा भी नहीं कर सकता। एक कमजोरी मेरे अंदर भी है और अहंकार मेरे स्वभाव का अंग है। यदि जैसा कि आपका विश्वास है, एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक एवं सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने की पृथ्वी या विश्व की रचना की, तो कृपा करके मुझे यह बताएं कि उसने यह रचना क्यों की। कष्टों और आफतों से भरी यह दुनिया, असंख्य दुखों के शाश्वत और अनंत गठबंधनों से ग्रसित, एक भी प्राणी पूरी तरह सुखी नहीं। कृपया यह न कहें कि यही उसका नियम है। यदि वह किसी नियम से बंधा है तो वह सर्वशक्तिमान नहीं, फिर तो वह भी हमारी ही तरह गुलाम है। कृपा करके यह भी न कहें कि यह उसका शुगल है। नीरो ने तो सिर्फ एक रोम जलाकर राख किया था, उसने चंद लोगों की हत्या की थी, उसने तो बहुत थोड़ा दुख पैदा किया था अपने शौक और मनोरंजन के लिए, और उसका इतिहास में क्या स्थान है? उसे इतिहासकार किस नाम से बुलाते हैं? सभी विश्लेषण उस पर बरसाए जाते हैं। जालिम, निर्दयी, शैतान जैसे शब्दों से नीरो की भरसा में हजारों पेज रंगे पड़े हैं। एक चिंगेज खान ने अपने आनंद के लिए कुछ हजार जानें ले ली और आज हम उसके नाम से घृणा करते हैं। तब फिर तुम उस सर्वशक्तिमान अनंत नीरो को, जो हर दिन, हर घंटे और हर मिनट असंख्य दुख देता रहा है और अभी भी दे रहा है, किस तरह न्यायोचित ठहराते हो? फिर तुम उसके उन दुष्कर्मों की हिमायत कैसे करोगे जो हर पल चंगेज के दुष्कर्मों को भी मात दिए जा रहे हैं? मैं पूछता हूँ कि उसने यह दुनिया बनाई ही क्यों थी, ऐसी दुनिया जो सचमुच का नर्क है, अनंत और गहन वेदना का घर है। सर्वशक्तिमान ने मनुष्य का सृजन क्यों किया जबकि उसके पास मनुष्य का सृजन न करने की ताकत थी? इन सब बातों का तुम्हारे पास क्या जवाब है? तुम यह कहोगे कि यह सब अगले जन्म में इन निर्दोष कष्ट सहने वालों को पुरस्कार और गलती करने वालों को दंड देने के लिए हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तुम कब तक उस व्यक्ति को उचित ठहराते रहोगे जो हमारे शरीर को जख्मी करने का साहस इसलिए करता है कि बाद में इस पर बहुत कोमल तथा आरामदायक मलहम लगाएगा? ग्लेडिएटर संस्था के व्यवस्थापकों तथा सहायकों का यह काम कहां तक उचित था कि एक भूखे खूंखार शेर के सामने मनुष्य को फेंक दो कि यदि वह उस जंगली जानवर से बचकर अपनी जान बचा लेता है तो उसकी खूब देखभाल की जाएगी? इसलिए मैं पूछता हूं, उस परम चेतना और सर्वोच्च सत्ता ने इस विश्व और उसमें मनुष्यों का सृजन क्यों किया? आनंद लूटने के लिए? तब उसमें और नीरू में क्या फर्क है? मुसलमानों और ईसाइयों, हिंदू दर्शन के पास अभी और तर्क हो सकते हैं, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारे पास ऊपर पूछे गए प्रश्नों का क्या उत्तर है? तुम तो पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते। तुम तो हिंदुओं की तरह यह तर्क पेश नहीं कर सकते कि प्रत्यक्षता निर्दोष व्यक्तियों के कष्ट उनके पूर्व जन्मों के कुकर्मों का फल है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि उस सर्वशक्तिशाली ने विश्व की उत्पत्ति के लिए 6 दिन मेहनत क्यों की और यह क्यों कहा था कि सब ठीक है? उसे आज ही बुलाओ और उसे पिछला इतिहास दिखाओ। उसे मौजूदा परिस्थितियों का अध्ययन करने दो, फिर हम देखेंगे कि वह आज भी यह कहने का साहस करता है कि सब ठीक है। और हिंदुओं, तुम कहते हो कि आज जो लोग कष्ट भोग रहे हैं वे पूर्व जन्म के पापी हैं। ठीक है, तुम कहते हो कि आज के उत्पीड़क पिछले जन्मों में साधु पुरुष थे, अतः वे सत्ता का आनंद लूट रहे हैं। किंतु यदि यह बात मान भी लें कि कुछ मनुष्यों ने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, तो ईश्वर द्वारा उन्हें दिए गए दंड की प्रकृति क्या है? तुम कहते हो कि वे उन्हें गाय, बिल्ली, पेड़, जड़ी बूटी या जानवर बनाकर पैदा करता है। तुम ऐसे 84 लाख दंडों को गिनाते हो। मैं पूछता हूँ कि मनुष्य पर सुधारक के रूप में इनका क्या असर है? तुम ऐसे कितने व्यक्तियों से मिले हो जो कहते हैं कि वे किसी पाप के कारण पूर्व जन्म में गधों के रूप में पैदा हुए थे? एक भी नहीं। अपने पुराणों से उदाहरण मत दो। मेरे पास तुम्हारी पौराणिक कथाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। और फिर क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीबी एक अभिशाप है, यह एक दंड है।
मैं पूछता हूं कि अपराध विज्ञान न्याय शास्त्र के एक ऐसे विद्वान की आप कहां तक प्रशंसा करेंगे जो किसी ऐसी दंड प्रक्रिया की व्यवस्था करे जो कि अनिवार्यतः मनुष्य को और अधिक अपराध करने को बाध्य करे। क्या तुम्हारे ईश्वर ने यह कभी नहीं सोचा था? क्या उसको भी ये सारी बातें मानवता द्वारा कथनीय कष्टों को झेलने की कीमत पर अनुभव से सीखनी थी? तुम क्या सोचते हो कि किसी गरीब तथा अनपढ़ परिवार जैसे एक चमार या मेहतर के यहाँ पैदा होने पर इंसान का भाग्य क्या होगा? चूंकि वह गरीब है इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकता, वह अपने उन साथियों से तिरस्कृत एवं त्यक्त रहता है जो ऊंची जाति में पैदा होने के कारण अपने को उससे ऊंचा समझते हैं। उसका अज्ञान, उसकी गरीबी तथा उससे किया गया व्यवहार उसके हृदय को समाज के प्रति निष्ठुर बना देते हैं। मान लो यदि वे कोई पाप करता है तो उसका फल कौन भोगेगा, ईश्वर, वह स्वयं या समाज के मनीषी? और उन लोगों के दंड के बारे में तुम क्या करोगे जिन्हें दंभी एवं घमंडी ब्राह्मणों ने जानबूझकर अज्ञानी बनाए रखा तथा जिन्हें तुम्हारे ज्ञान की पवित्र पुस्तकों, वेदों के कुछ वाक्य सुन लेने के कारण कान में पिघले शीशे की धारा को सहने की सजा भुगतनी पड़ती थी? यदि वे कोई अपराध करते हैं तो इनके लिए कौन जिम्मेदार होगा और उसका प्रहार कौन सहेगा? मेरे प्रिय दोस्तों, ये सारे सिद्धांत विशेषाधिकार युक्त लोगों के आविष्कार हैं। ये अपनी हत्याई हुई शक्ति, पूंजी तथा उच्चता को इन सिद्धांतों के आधार पर सही ठहराते हैं। जी हाँ, शायद वे अफ्टन सिंक्लेयर ही था जिसने किसी जगह लिखा था कि मनुष्य को बस आत्मा की अमरता में विश्वास दिला दो और उसके बाद उसका सारा धन व संपत्ति लूट लो, वह बगैर बड़बड़ाए इस कार्य में तुम्हारी सहायता करेगा। धर्म के उपदेशकों तथा सत्ता के स्वामियों के गठबंधन से ही जेल, फांसी घर, कोड़े और ये सिद्धांत उपजते हैं। मैं आपको यह बता दूं कि अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए है कि उनके पास ताकत है और हम में उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं है। वे हमें अपने प्रभुत्व में ईश्वर की सहायता से नहीं रखे हुए हैं, बल्कि बंदूकों, राइफलों, बम और गोलियों, पुलिस और सेना के सहारे रखे हुए हैं। यह हमारी उदासीनता है कि वे समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र द्वारा अत्याचार, शोषण सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कहाँ है ईश्वर? वह क्या कर रहा है? क्या वह मनुष्य जाति के इन कष्टों का मजा ले रहा है? वह नीरो है, वह चिंगेज का है तो उसका नाश हो। तुम्हारा दूसरा तर्क यह भी हो सकता है कि क्यों एक बच्चा अंधा या लंगड़ा पैदा होता है यदि वे उसके पूर्व जन्म में किए गए कार्यों का फल नहीं है। अरे जीव विज्ञान वेत्ताओं ने इस समस्या का वैज्ञानिक समाधान निकाला है। उनके अनुसार इसका सारा दायित्व माता पिता के कंधों पर है जो अपने उन कार्यों के प्रति लापरवाह तथा अनभिज्ञ रहते हैं जो बच्चे के जन्म के पूर्व ही उसे विकलांग बना देते हैं। स्वभावतः तुम एक और प्रश्न पूछ सकते हो, यद्यपि यह बहुत बचकाना होगा, और वह यह है कि यदि ईश्वर कहीं नहीं है तो लोग उसमें विश्वास क्यों करने लगे? मेरा उत्तर संक्षिप्त तथा स्पष्ट होगा कि जिस प्रकार लोग भूत प्रेतों तथा दुष्ट आत्माओं में विश्वास करने लगे, उसी प्रकार ईश्वर को मानने लगे। ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में मेरा अपना विचार यह है कि मनुष्य ने अपनी सीमाओं, दुर्बलताओं व कमियों को समझने के बाद परीक्षा की घड़ियों का बहादुरी से सामना करने, स्वयं को उत्साहित करने, सभी खतरों को मर्दानगी के साथ झेलने तथा संपन्नता एवं ऐश्वर्य में उसके विस्फोट को बांधने के लिए ईश्वर के काल्पनिक अस्तित्व की रचना की। अपने व्यक्तिगत नियमों तथा अभिभावकीय उदारता से पूर्ण ईश्वर की बड़ा चढ़ाकर कल्पना व चित्रण किया गया। जब उसकी उग्रता तथा व्यक्तिगत नियमों की चर्चा होती है तो उसका उपयोग एक डराने वाले के रूप में किया जाता है ताकि मनुष्य समाज के लिए खतरा न बन जाए। जब उसके अभिभावकीय गुणों की व्याख्या होती है तो उसका उपयोग एक पिता, माता, भाई, बहन, दोस्त तथा सहायक की तरह किया जाता है। इस प्रकार जब मनुष्य अपने सभी दोस्तों के विश्वासघात तथा उनके द्वारा त्याग देने से अत्यंत दुखी हो तो उसे इस विचार से सांत्वना मिल सकती है कि एक सदा सच्चा दोस्त उसकी सहायता करने को है जो उसे सहारा देगा, जो कि सर्वशक्तिमान है और कुछ भी कर सकता है। वास्तव में आदिम काल में यह समाज के लिए उपयोगी था। विपदा में पड़े मनुष्य के लिए ईश्वर की कल्पना सहायक होती है। समाज को इस ईश्वरीय विश्वास के विरुद्ध उसी तरह लड़ना होगा जैसे कि मूर्ति पूजा तथा धर्म संबंधी शुद्र विचारों के विरुद्ध लड़ना पड़ा था। इसी प्रकार मनुष्य जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करने लगे तथा यथार्थवादी बन जाए तो उसे ईश्वरीय श्रद्धा को एक ओर फेंक देना चाहिए और उन सभी कष्टों, परेशानियों का पौरुष के साथ सामना करना चाहिए जिनमें परिस्थितियां उसे पटक सकती हैं। मेरे दोस्तों, यह मेरे सोचने का ही तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया है। मैं नहीं जानता कि ईश्वर में विश्वास
और रोज बरोज की प्रार्थना जिससे मैं मनुष्य का सबसे अधिक स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूँ मेरे लिए सहायक सिद्ध होगी या मेरी स्थिति को और चौपट कर देगी। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने सभी विपदाओं का बहादुरी से सामना किया था, अतः मैं भी एक मर्द की तरह फांसी के फंदे की अंतिम घड़ी तक सिर ऊंचा किए खड़ा रहना चाहता हूँ। देखना कि मैं इस पर कितना खरा उतर पाता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रार्थना करने को कहा। जब मैंने उसे अपने नास्तिक होने की बात बतलाई तो उसने कहा कि देख लेना, अपने अंतिम दिनों में तुम ईश्वर को मानने लगोगे। मैंने कहा, नहीं प्रिय महोदय, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करना मेरे लिए अपमानजनक तथा पराजय की बात होगी। स्वार्थ के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। पाठकों, मेरे दोस्तों, क्या यह अहंकार है? अगर है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ।